पूज्य दीदी जी मुद्री पर लाया हमारे पूज्य दीदी जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन किया है। और पूज्य दीदी जी ने भी शुरुआत में अपने सभी सगा संबंधी को छोड़ के माँ भगवती के प्रति अपना इतना स्नेह जगाया कि उतना माता ने भी जगाया और दीदी जी ने भी जगाया, जिससे कि उन्होंने नाता तोड़ा जग से। मैंने ऐसे लग गए इनको पागल प्रीत, मतलब इनको ऐसे प्रीत हो गए माता से, इन्होंने जग से नाता तोड़ ही दिया था। तो आज की डेट में माँ भगवती ब्रह्मा शक्ति हमारी पूज्य दीदी जी भी हमारे लिए साक्षात भगवती की तरह है, और हमारे जीजा जी भी भगवान नरसिंह के उपासक और माँ काली दक्षिण काली के उपासक जो परम उपासक है। तो अभी भी यही हमारे यहाँ पे देहरादून में कुल पुरोहित के रूप में हम इन्हीं को मानते हैं। और माँ भगवती ने स्वयं अवतरित होकर बताया कि कुल पुरोहित के रूप में आप ही यहाँ पे पूजा करोगे। जय माता दी। साक्षात भगवती ऐसे लगता है कि रात दिन कभी भी आए, और कभी भी आती थी तो मतलब रात को 2 बजे भी माता कहीं से आई तो मैं हमेशा माता के लिए आरती के लिए जब कभी से कहीं जब तक यहाँ रही तो 2 बजे भी आई माता, कभी कभी 12 बजे भी आती थी वापस। तो मतलब ये हमारा क्रम रहता था कि माता जब आए तो हम दोनों माता की आरती से माता का स्वागत करें। और कभी मतलब ये बोल दिया कि माता ने इसने अपनी बच्ची की तरफ की लड़ाई कर रही थी बहुओं के साथ भी, और बोल रही है कि मैंने तुम्हें राम मुद्रिका दे रखी है, तुमने संभाल सका तो तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगी, करेगी वो हमेशा करेगी, और आपके साथ हमेशा है और बैठी हुई है, ऐसी बात नहीं है। वो आपके लिए मठ छोड़ के भगवती आपकी भक्ति से देहरादून में बसी हुई है, सच में बता रहा हूँ। नहीं तो हमारा देहरादून से कोई लिंक नहीं था इतना कि माता को देहरादून आना पड़े, कितना बड़ा लिंक था माता का। क्यों आप बताओ, जो स्वयं काशी विश्वनाथ की धरती में उत्तरकाशी पावन भागीरथी गंगा के तट में रहने वाली देवी, और वो देहरादून में आए, क्यों आए? आपकी भक्ति के लिए आई है ना। ऐसी बात नहीं कि देहरादून में और नहीं है भक्त, और भी हैं, पर लेकिन आपके साथ 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 और भक्त भी जुड़ गए। अब जब माता को सबसे पहले ना, माता ने तो आपको स्थान दिया, मैं मानता हूँ माता ने आपको सन 92 में स्थान दे दिया, पर लेकिन दरअसल में क्या हुआ कि आपने उस स्थान को पवित्र करके मंदिर बना दिया, सब कृपा है ना। माता की इतनी बड़ी कृपा है। और आज के डेट में आज आप और गोपाल वाणी जी का वहां भी पदार्पण, बाकी अन्य बच्चे दूसरी गाड़ी में रुक गए, लेकिन ढोली बाकी जाम लग गया सारी लोग वहां। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा, जितना बोल रहे इतनी बार हमने यात्रा करते हैं, लोग जाते हैं अनुभव, ऐसे ऐसे रास्तों पे जाते छत पे रहते, लेकिन कौन संभालता है? ये तो ऐसे है कि जैसे बच्चों का अपने साथ जाए, कई बार हमारे साथ साथ भी जो बूढ़े भी हैं वो भी उनकी भी ऐसी दशा है। अब हमारे साथ हमारे एक दास जी है, बहुत बड़े आदमी, लेकिन गाड़ी जा फिर वो सबसे पहले बीड़ी पीने के लिए कुछ खाने लग गया। अब कितना किसके साथ कब कर लो, जब लौटे तो खाएंगे, वो खाते थे और कागज जो है बाबा जी के नीचे डाल दे कि जब 2018-19 की बात है, जब मंदिर हो गया थोड़ी बहुत होती थी बच्चे, अब उत्तम जी की और सुशील का बचपना था, बच्चे थे हमारे साथ, मतलब ऐसे ऐसे बचपना की कुछ बोला नहीं जा सकता, अपने जैसे बच्चे थे। उत्तम की तो और भी ज्यादा क्या, कई बार मैं गुस्सा करता था, अव्यक्त रूप से मैं अपने गुस्से को दिखाता था, फिर हम दोनों का झगड़ा होता था इस बार में कि तुम उसके साथ, कई बच्चे आते थे बीच में। तो ये स्थिति थी कि जितने बार ऊपर माता के यहाँ कोई जाता था, डम 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 दिन भर ढोली बज रहा है, और उसके बाद जो हुआ वो तो माता ने अपना जलवा दिखाया कि पुलिस का भी। लेकिन 18-19 में हम दोनों का झगड़ा होने लग गया कि माता का मंदिर बढ़ाना, क्योंकि अब बहुएं आएंगी, परिवार बढ़ेगा, कल हो सकता है बहुओं के ऐसे विचार ना हो। तो मतलब ये 18 से मेरे पीछे ये पड़ गई, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जेब का लगा, आज ये भगवती है और इसको साक्षी मान के आज आप लोगों के सामने हम भगवती का कुछ नाम बोल नहीं सकते इसके विषय, इतना इसका भाव और इतना इसने हमको दिया, इसका आज आप लोगों के सामने आप इससे जुड़े हुए, इसके भावों को हम कहीं व्यक्ति नहीं कर सकते। ये तो ऐसे है कि इसने हमको इतना मान दिया है, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं, एक छोटा सा आदमी, और इसने इतना ऊंचा स्थान मेरे को दिया, और ये आज इसका है कि 4 मंदिरों पे आज माता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब हमारे लिए सब बड़ा सौभाग्य की बात हुई कि हमने माता के लिए स्थान, और लोगों ने ऐसा कि इसने यह किया, जो कुछ भी अंत तक जब तक ये
और ऐसा भी हमने कर एक एक हफ्ते के अंदर माता 6 लाख रुपए पटियाला से लेके आई और गिन नहीं पाया। तब मेरे को जो है इन दोनों ने कि भाई जिया जी जरा थोड़ा नोट गिनने लग जाओ। तब मुझे उस दिन कि मैंने कहा मंदिर बन ही जाए। फिर कोरोना काल आया, मैंने उनको बोला जीपी अप्लाई करो जैसे अपने मंदिर के लिए करो। जैसे अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए तुमने क्या है वैसे तुम्हें जो है मंदिर के लिए। मैंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा। और माता ने कब हुआ मेरे पे हमेशा कर्जा रहा, लेकिन जब से माँ यहाँ आई देती नहीं देती। इसने दिया ही अध्यक्ष रूप में दिया। आज मैं कह रहा हूँ ऐसा तो हमारा हर काम जो हमारी गार्जियन आई है हमने इसको बना रखा। हम किसी भी काम को करेंगे अच्छा करें सबसे पहले व्यवस्था अपने आप करती और होती भी पता नहीं चलता है। तो इसकी इसका जितना गुणानुवाद का था यही तो है इसके। अगर हम आपको अनुभव बताए कितने है कैसे और आप ये तो अब ऐसा लगता है कि यही करवाती जितना कुछ कर जब करवाना हो अगल बगल पे जो कुछ भी कांड हुआ इसको अपनी शक्ति का परचम देना है तो शायद हमको लगता है यही करवाती यही जाती है सबकी बुद्धि कल अपनी है ना। इसको तो झगड़े भी अच्छे लगते भीड़ आती अब हो ना हो हमें तो मैं तो कुछ भी नहीं ना हमारे पास तप है ना ज्ञान है ना यज्ञ है ना अनुशासन है ना कुछ भी नहीं संयम है। लेकिन उसने हमें अपने स्थान पे जिस जहाँ उसका मुख्य स्थान है उसने कहा तू ना तो हम तो ये कहते कि तूने हमको मौका दिया है और तू आज तूने अगर मुझे स्वीकार कर लिया तो हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। उत्तम मेरे को कह रहा कि जी तुम्हें भाव बता रहा। मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना है वो बुलवाएगी मुझे कहाँ आता बोलना यार ये तो बड़े बड़े क्या है लोग वहाँ आएंगे हम क्या बोल पाएंगे इस किस को ये बुलवाती है तो हम बोल देते हमें आता कुछ नहीं आएगी है नी। हम अगर कुछ बोल पाते तो जो 37-38 साल मैंने शिक्षा विभाग में दिया तो मेरे साथ भी शिक्षा भी बन जाते भागवत आचार्य तो मैं क्या देने वाला हूँ जो है आजीविका रूप चलाया हमने। लेकिन ऐसा है कि टूटी फूटी शब्दों में ये बुलवा देती है बस जितनी देर बोल लक्ष्मण काली मैया की नरसिंह देवता की राज राजेश्वरी मैया की बहुत सुंदर हमारे पूजा जीजा जी ने आप सभी को माँ भगवती की महिमा बताई और किस तरीके से माँ भगवती के साथ इतने सालों से जुड़े। वैसे तो उनका जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब योग बनते हैं तब ये सब कार्यक्रम होते हैं और हमारे पूज्य जीजा जी हमारे गुरु भी हैं ये और हमारे मार्गदर्शक भी हैं क्योंकि हम भी देहरादून में जब आए थे तो हमारे पूज्य जीजा जी ने आए हमको यहाँ पे रहना चलना अनुशासन सारा सिखाया। उससे पूर्व में मैं इतना कुछ नहीं जानता था पूजा अर्चना जो हमारे जीजा जी ने मुझे दुर्गा सप्तशती का जाजी के लिए मैं बोलता था हमेशा जाजी आप बोलो और मैं सुनूंगा तब मैं वो चीज़ बोलूंगा क्योंकि मुझे इतनी संस्कृत पढ़नी है तो आती नहीं थी। तो हमारे पूज्य जीजा जी ने श्लोक बोल के माता के अभी भी मैं जिया जी से इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं जो जिया जी के सामने कुछ वार्तालाप कर सकूँ। जिया जी से मैं वो अभी भी बोलता हूँ जिया जी आप बोलो मंत्र मैं सुनूंगा तब मैं बोलूंगा। तो आप ही गुरु हो आप ही ब्रह्मा हो आप ही विष्णु हो सर्वप्रथम माँ दक्षिण काली महाराज राजेश्वरी की सब पे कृपा बनी रहे और गुरुदेव की कृपा भी आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी। 50,000 की आज लॉटरी खुनी थी दिया तो उसने पैसा हमारा था लेकिन आज ही आज की डेट पे जो है वो हमको 50,000 रुपए यहाँ पे देगी अपना खर्चा। तो ऐसा थोड़ी वो खड़ी होगी मेरे पास 4 हाथ बोझाओं को खड़ा करके अच्छा बोली गिले पैसे लिए अड़तीस रुपए से कहाँ थे मेरे पास। जब हमने इसको आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस दिन मैंने इसको लिया मेरे पास पैसे लिए थे 10 लाख रुपए मेरे को ऐसा मिला। कौन बैंक का मैनेजर देता है मैनेजर कितना कम हो रहा है तुम्हारे पास गुरु जी। मैंने कहा मेरे पास 5 लाख उसने 4,10,000 रुपए बैंक मैनेजर ने मेरे को अपने आप अपने खाते से दिए बिना गारंटी। तो ये कौन है ये देने वाले मोहल्ले में उसने बोला ले ली थी मैं देती हूँ 10 लाख एकदम से 10 लाख। तो इसकी जितना भी हम गुणानुवाद करें ये भाव है और उसके भावों के द्वारा आज अपनी बातों को तुम लोग जुड़े हुए हो इसलिए हम ये कह रहे हैं आपका अटूट विश्वास है जो आप लोग इस समय कलयुग में कोई शक्ति है ना तो शक्तियां होंगी इसका परमाणु और मेरा इतना नहीं है इतना मैं बोल रहा हूँ इतना विश्वास जितना मतलब हमारे मतलब किसी पे भी मेरी बहुओं पे मेरे लड़कों पे मुझ पे 24 घंटे मतलब उसका वही नशा है पागल जिसको बोलते मतलब भक्ति ये भी एक नशा है और ऐसा नशा होना चाहिए ऐसा पागल ठीक है
अब आज सामने बोल दिया आप तो हमारे लिए बात घातक हो गई ना, ये तो अब हमारे घातक हो गई बात। लेकिन ऐसा पागलपन भी ठीक है अगर कोई किसी नस में ऐसा है कि मस्त हो जाए और उसने क्या देना, आप गृहस्थी के मामले में इतना कुछ दे रखा है इसके बाद क्या होता है, बाकी सब ये छोड़ना लास्ट में इसी जाना है बस। लास्ट में ये भी समझ रहे हम कि लड़के बहू ये तो सांसारिक रिश्ते हैं लेकिन एक सच्चा रिश्ता अगर ये तो मेरी बेटी बना दो बेटे थे मेरे कार्यकाल में, मैं 27-28-31 साल मैंने पहाड़ के क्षेत्र में काम किया तो मैंने कम से कम जो है 27-28 साल मैंने अपने नरसिंह मंदिर को दिया इसी की प्रेरणा से। मैंने इतना काम किया है, मैंने पत्थर तोड़े वहाँ पे, सीमेंट अपने खर्चे बुलाया, 3 किलोमीटर में लोहे को अपने कंधों पे लेके आया, अपने नरसिंह मंदिर बहुत भव्य देखा है गुरु जी ने, क्योंकि उस पे आज लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे वो भी कम नहीं, इतना भव्य मैंने उस स्थान को तैयार कर दिया। उसके बाद मुझे अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने उसके बाद पंचमुखी हनुमान का मंदिर बनाया, यहीं से नहीं जुड़ा हूँ। और उस स्थान पे एक दिन मेरे को जो है वहां पे काम करने वाले मजदूरों ने कहा हमारे दिवाली छोटा सा जिया जी ने अपनी बाइक दे दी। उसके बाद जो है मैं निकला उस दिन तो मेरे को उस दिन 85,000 रुपए मिले, आप विश्वास नहीं करेंगे। और उन लोगों के पास क्या उन्होंने कहा गुरु जी अगर अब जरूरत पड़े फिर भी हम देंगे आपको, तो ऐसा नहीं कि आप किसी अच्छे काम करोगे तो आपके साथ 1,000-10 आपके टांग पीछे भी खींचेंगे, जो आपके कई बिलेप लगाएंगे खाता है इसका काम ये है बोला लोगों ने हमने, लेकिन हमने उस बात पे पंचमुखी हनुमान की कृपा से 3 वहां पे मैंने राम कथा जैसे कहते टूटी सब। उसके बाद जो है शिवालय का नंबर आया, शिव मंदिर को तोड़ा तो माई जो है मेरे पे चिढ़ गई कि तूने मेरे लूण पानी खत्म कर दिया, तूने मेरा देवता तोड़ दिया। नागपुर की थी वो माई, गंगा माई था, उसने हमारे बचपन से सबको जानती थी और मंदिर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था कि